गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। हैं जी, फोटो छपी हमारी अखबार में कि पूज रहा है बिल्कुल ही दीन दुनिया से बेखबर। ओह गॉड यार, ओके बाय। हो रे प्रिया। हेलो। मैडम मैं हूं प्रेमू पंछी, मैं ओवर रोमांटिक हूं। और यो जरी की दुकान। मैडम मैं हूँ इश्किया, मैंने प्रेमू से इश्क किया, मैं उड़ जाऊंगी। लाता थी जिस गली में प्रेम होगा उस गली में मर जाऊंगी। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द बिल्ली एयरपोर्ट पालम इज द। अब मैं क्या बताऊं मैडम। ना ना तू कुछ ना बता, एक काम कर अपने साथ जो है कुछ स्टाफ लेकर आ, कुछ लोग 8-10 बटालियन, वो बोलेंगे थारे बिहाप में, वो बताएंगे। हाँ यार देखो, जो भी मुआमलात है वो जरा खुल के शरबत में शक्कर की तरह घुल के सफेद पजामे की तरह धुल के मैडम के सामने फटाफट बोल दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का देहरादून मसूरी के साथ मिक्स हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट क्रोकोडाइल की बेटी, मेरा मतलब है खतरनाक एलिगेटर की बहन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। ठीक है ठीक है, क्या है ना मैडम की मैं ओवर रोमांटिक हूँ। मैं सोता रोमांस में हूँ, जागता रोमांस में हूँ, खाता रोमांस में हूँ, पीता रोमांस में हूँ, मैं जीता रोमांस में हूँ। रोमांस के चक्कर में कहीं वायलेंस ना हो जाए चौकी में। नहीं नहीं मैडम, मैं बताती हूँ, मैं उड़ जाऊंगी। बात यह है मैडम कि है ना हम दोनों को है ना पहले प्यार हुआ, फिर हमारी शादी तय हुई, लेकिन लेकिन ठीक सगाई के वक्त लाइट चली गई थी। नहीं दादाजी, ठीक सगाई के वक्त अंगूठी चोरी हो गई। नहीं नहीं, इनके डैडी ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। मैं उड़ जाऊंगी। क्यों तारे डैडी को यो साइको, मतलब अपनी छोरी प्रेमिका थारी पसंद ना है? पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन जब हमारी शादी तय हुई तब डैडी लंदन में थे, जब हमारी सगाई की डेट फिक्स हुई उस वक्त वो अमेरिका में थे। मैंने इश्किया की तस्वीरें उन्हें भेजी, उस वक्त वो कनाडा में थे। तस्वीरें देखते ही उन्होंने इश्किया को पसंद कर लिया, और उसके बाद इश्किया और उन्होंने आपस में फोन पे काफी बातें भी की। तब डैडी पेरिस में थे। नहीं, उस वक्त घर की टेरिस पे थे। डैडी के हाँ बोलने के बाद ही हमने सगाई की डेट फिक्स की, लेकिन सगाई के दिन अचानक उन्होंने सगाई से इनकार कर दिया। मैं ओवर रोमांटिक हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं ये बहुत। वेल डूड्स, व्हाई योर डैडी का रूट्स? बात ये है कि इनके डैडी ने जैसे मेरी मॉम को देखा ना तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, मैं तो उड़ जाऊंगी। ओ क्या बात कर रही हो, तुम्हारी मॉम इतनी भयानक है? सास है किसी की। मैडम मैं बताता हूं, दरअसल मैं ओवर रोमांटिक हूं और मेरे डैडी ओवर इमोशनल। आज से 25 साल पहले मेरे डैडी अपनी शादी का रिश्ता लेके एक घर में गए थे, पापू, जहां पर लड़की ने उन्हें ठुकरा दिया।
रिश्ते से मना कर दिया, और वो लड़की कोई और नहीं, कोई और नहीं, इश्किया की माँ थी। मैं ओवर रोमांटिक। ओ, यो बात है, यानी कि अंकल जी को आंटी जी ने 25 साल पहले ठुकरा दिया था और आज उसी घर की बेटी अंकल जी की बहू बनना मांग रही है। तो ऑब्वियसली यो बात अंकल को खटक रही से। अंडरस्टैंडेबल। भाई वैसे तो ये पुलिस केस है कोई ना, लेकिन सिंस इसमें जो है दो जिंदगियां इन्वॉल्व है, एक छोरी की शादी इन्वॉल्व है, इसलिए हम मदद करेंगे। ओ ऋतिक की आंखों वाले शाहरुख खान, आइयो। अपने डैडी से कहे चौकी में आए, जरा हम बात करते हैं उनसे। बस जी, प्रेमू ने कहा कि आपने बुलाया है। हाय मैडम, लेकिन प्रेमू से तो हमने कहा था कि अपने डैडी को भेज देना, उसने दो दो डैडी भेज दिए मैडम। अरे दो हैं। यस, हु इज द डैडी, इज द जो नहीं है शादी के लिए रेडी, इज द जी मैं हूं लड़के का डैडी। नाम बोलिए जी। हमारा नाम है पप्पू पंछी हवा में। ए! लो भैया, ये हवा में है और इनकी होने वाली बहू ना वो बात बात पे उड़े ले रही है। व्हाट अ टेलर मेड ससुर बहू की जोड़ी। तो भैया फिर किस लिए प्रॉब्लम है, शादी क्यों ना करवा रहे छोरा छोरी की हैं? और ये चिड़ी मार कौन है यो? भाई साहब देखिए मैडम, हम चिड़ी मार नहीं है, हमारा नाम है चर्चित चतुर्वेदी, चर्चा चारों तरफ है। किस बात की चर्चा के, तुमने सगाई तोड़ दी? सगाई? अरे सगाई, उस घर में अगर शादी भी हो गई होती ना तो हम वो भी तोड़ देते। क्यों भाई साहब, चर्चा चारों तरफ है। देखिए मैडम, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़का लड़की की तबीयत है एक दूसरे के लिए जम के फटकी, लेकिन अरे लेकिन वेकिन भूल जाइए भाई साहब, सिर्फ इतना याद रखिए कि 25 साल पहले उस घर में जो हुआ था ना उसकी चर्चा चारों तरफ है, और हम आपके साथ लड़की देखने गए थे उस घर में, इसलिए हम तो इस बात को भुला नहीं पाए, चर्चा चारों तरफ है। अंकल जी जरा बीच में ना बोलिए वरना पिट जाएंगे, और आप बनने आप जरा सकल से थोड़े समझदार टाइप आदमी दिखें। के लगा रखा है आपने, 25 साल पहले हुई बात का इतना फुटेज, इतना बखेड़ा। भाई छोरा छोरी एक दूसरे से प्रेम करें, और छोरी में कोई जो है अवगुण है, छोरी बदतमीज है, आपसे तमीज से बात ना करती, आपकी इज्जत ना करती, देखने में सुंदर उंदर है, क्या प्रॉब्लम क्या है, छोरी में प्रॉब्लम है कोई? नहीं नहीं भाई मैडम, ये बात नहीं हवा में। बात दरअसल ये है कि जो लड़की की माँ है ना, उसने 25 साल पहले हमारा रिश्ता ठुकरा दिया था, और ये बात हम भूल नहीं सकते हवा में। अरे यार एक काम करो, छोरी के पेरेंट्स ने बुलवाओ जरा चौकी में, तो इनकी जो है समधनों और समधियों की आपस में सुलह करवाएं। ओके ओके। नमस्ते मैडम। हाँ भाई, आप हो छोरी के अम्मा बापू? जी मैडम, सत्तू घुल गया। मैडम सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हॉल डेकोरेट हो चुका था, संगीत बज रहा था, मेहमान आ चुके थे, केटरर्स खाना लगा चुके थे, और इतने में ये लोग आए और रिश्ता तोड़ के चले गए, और हमारा सत्तू घुल गया। भाई अंकल जी बात ऐसी है कि इनका कहना है कि 25 साल पहले यो जो गुड लुकिंग वाले आदमी हो रहे हैं ना, यो आए थे आपकी बीवी को यानी कि आंटी को देखने, तो आंटी ने रिश्ता ठुकरा दिया था, इसलिए ये खुंदक पाल के बैठी। तो उसमें क्या हो गया मैडम, शादी में तो कई बार रिश्ते ठुकराए जाते हैं ना, अब इन्होंने इनका सत्तू घोल दिया, तब ये मेरी बेटी का सगाई का रिश्ता घोल देंगे, ये कहां का न्याय है? एक मिनट। अरे आप तो वहां थे नहीं, हम गए थे भाई साहब के साथ, जब इन्होंने भाई साहब को बंदर मुखा कहा था, चर्चा चारों तरफ है। आंटी तुमने एक शरीफ आदमी को बंदर मुखा कह लिया,
सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। हाँ मैडम, मैंने इन्हें बंदर मुखा कहा था। एक मिनट मैडम। चाचा जी, हुई 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 हुई। आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको इनकी शक्ल कैसी लगती है? बंदर जैसी। हाँ, देखा मैडम। अब मैडम आप इनकी आंखें देखिए, इनकी आंखें देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मेंढक रसगुल्ले को घूर रहा? अच्छा तुम बताओ भैया। लगता तो है, और वो भी छेने वाले रसगुल्ले को। देखा मैडम, मैंने कह दिया तो गुनाह हो गया क्या? मैंने कहा इनकी शक्ल बंदर जैसी है और इनकी आंखें मेंढक जैसी हैं, तो क्या कुछ गलत का? सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। अरे एक मिनट व्यक्तिगण, ऐसा है 25 साल पहले हुई कन्वर्सेशन पे अभी जो है बिल्कुल ही केस चल रहा है। अरे छोड़ दो यार, भूलो पहले की बातें, अभी शादी कराओ छोरा छोरी की। एक मिनट मैडम, आप तो वहां थी नहीं, हम गए थे भाई साहब के साथ इन्हें देखने के लिए। चर्चा चारों तरफ है। अरे भाई साहब आप भूल गए, इन्होंने लस्सी दे मारी थी आपके मुंह पे। अरे वो अलग बात है कि आप हट गए थे और लस्सी आके हमारे मुंह पे गिरी। मैडम हमने चख के देखी तो उस लस्सी में शक्कर भी कम थी। चर्चा चारों तरफ है। क्या आंटी ऐसे क्या करती हैं आप, आपने शक्कर कैसे कम डाल दी लस्सी में? मतलब लस्सी में तो भरपूर शक्कर होनी चाहिए, और ऊपर से थोड़ी सी मलाई भी मार दें तो एकदम लस्सी का जो आंटी ना, तुमने एक गरीब आदमी के मुंह पे लस्सी भी मार दी। सच कहूंगी मैडम अभी भी 19 की लगती हूँ। कंफ्यूजन। वो दरअसल मैडम मैंने लस्सी इनके मुंह पे नहीं दे मारी थी, दरअसल ये मुझे देखने आए, मैंने इन्हें देखा और इन्हें देखते मैं घबरा गई मैडम, और लस्सी का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। वैसे एक बात कहूं मैडम, अगर मैंने लस्सी का गिलास इनके मुंह पे दे मारा होता ना तो सीधा इनके मुंह पे ही लगता। वो क्या है कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है। क्यों जी? हाँ, जब भी इन्होंने मुझ पर बेलन फेंका है ना, मेरे चेहरे पे आके ही लगा है। सही और सचोट निशाना। आए सत्तू घुल गया। देखो भाई ऐसा है, आंटी कह रही है कि इन्होंने जानबूझ के लस्सी जो है तुम्हारे मुंह पे मारी, कोई ना है, हैं? तो चलो कहा सुनी माफ करो और ये शादी के लिए मंजूरी भरो। ओके एक मिनट मैडम, इन्होंने लस्सी ही नहीं बल्कि अपनी सैंडल भी उठा के दे मारी थी भाई साहब के मुंह पे। ये अलग बात है कि भाई साहब हट गए और सैंडल आके हमारे मुंह पे लगी। चर्चा चारों तरफ है। तो उसमें भी शक्कर कम थी। क्यों भाई साहब, याद है ना? अरे हम तो भूल ही गए हवा में। पापी जी बड़े देश है। जेठ की उम्र के ज्यादा देवर ना बन, वरना मारे तेवर बिगड़ गए ना तो जिंदगी के जेवर झड़ जाएंगे थारे। कैरी ऑन आंटी, एक ही मीटिंग में बहुत कुछ कर मारा है आपने। सैंडल मार दी आपने एक शरीफ आदमी के मुंह पे। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। दरअसल मैडम मैंने सैंडल नहीं दे मारी थी, हुआ क्या, ये मुझे देखने आए ना मैडम, तो मैंने इन्हें देखा और इन्होंने टेबल पे पड़े हुए प्लेट में रखे समोसे को, और समोसे को देख के इन्होंने ऐसे जीभ बाहर निकाली जैसे कोई छिपकली निकालती है। वो मैडम छिपकली देख के ना मैं डर गई और मेरे हाथ पैर इधर उधर उछल गए, और मैम उसी में मेरी सैंडल निकल के इनके मुंह पे जा लगी। वैसे मैडम मैंने सैंडल इनके मुंह पे नहीं दे मारी थी। ओहो देखो भैया, ये बांटी अपने मुंह से कह दी है, जानबूझ के इन्होंने ना लस्सी मारी ना सैंडल। हमारे पेशेंस का इम्तिहान ना लो, इतनी पुरानी बात पे रो मत बालकों की तरह। उन दोनों बालकों की शादी कराओ, वो प्रेम में है। हाँ वो भी ठीक ही है हवा में। हाँ अरे क्या ठीक है भाई साहब, देखिए भाई साहब आप अपनी बेइज्जती भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते। चर्चा चारों तरफ है यहाँ। हाँ चर्चित बिल्कुल सही कह रहे हो हवा में। चलो हम ये शादी नहीं कर सकते हवा में। नहीं होगी शादी है। अरे हट भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे आपकी माँ शक्कर ठीक से डालेंगे, बहुत ज्यादा। मैडम देखिए मैडम, ये लोग तो हमारा सत्तू घोल के चले गए।
अब मैडम मेरी बेटी का क्या होगा, वो तो बदनाम हो जाएगी ना। सत्तू घुल गया। ओहो अंकल कुछ ना होगा ऐसा, जरा सोचने का टाइम दो मन्ने, अभी फिलहाल दोनों जाओ आप, हम करते हैं कुछ। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। और सुनो ओ आंटी, एक सच मैं भी बोल लूं, एकदम 19 की नहीं लगती हो, बल्कि सन 1900 की पैदाइश लगती हो तुम। सत्तू घुल गया, घर चलो। आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला चंटू चंटीला एडिया आ रहा है। तो कई घंटों तक डंडे से थारी खातिर करूं, सेवा करूंगी, मैं फ्रेंडली बनाऊंगी तेरे को और डंडे को, फिर देगा आइडिया। आप तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए भाई, आइडिया इज गुड, लेकिन इसके लिए बड़ा भाई चाहिए होगा। उसकी कास्टिंग कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे बड़ा भाई? मम्मी जी वो कहावत है ना, बगल में ढिंडोरा और शहर में छोरा, ऐसी कोई कहावत ना है। तू निकल जा बाहर, जाके धूप में खड़ा हो, ट्रेनिंग ले। ऐसे मैडम गोपी जो बोला वो आप समझ तो गई होंगी? नहीं, नहीं? मैं कल पैदा हुई, कुछ समझ ना आवे मन्नी, मैं जोकी हूं, मैं कूद रही हूं बस इधर से उधर। क्या नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, हम ये सब नहीं करेंगे। Why is the? अरे हम में शोटाला के भाई नहीं बन सकते, बस why is the क्या? नहीं बन सकते, बस नहीं बन सकते। अरे लेकिन सर केस के लिए सर, क्यों सर आप मैडम के भाई क्यों नहीं बन सकते? अरे क्योंकि हम इनसे के मारे से के सर आज हम सारी दुनिया के सामने कह के रहेंगे, इस जालिम दुनिया से नहीं डरेंगे हम। हम में शोटाला से प्यार करते, प्यार करते हम इनसे। मैं शटाला, आई लव यू। अरे सर, 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 हाँ हाँ, क्या आप इनसे क्या सर? हम मैडम से सीनियर हैं, तो हम ये सब नहीं कर सकते। हाँ इसका मतलब ये था सर, सीनियर अफसर हैं इसलिए तो आपकी हेल्प लेने आए हैं सर। सर इतनी सी एक बात आपसे कही है मैंने, शायद फर्स्ट टाइम कुछ करने को, एक पर्सनल सी रिक्वेस्ट थी हमारी, पर ठीक है सर अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है सर। सुना था ड्यूटी और फर्ज के लिए आप करते हैं, पर आप कुछ भी, इट्स ओके सर। वैसे हमारी बात सुनने वाले और भी कई हैं जिंदा मौजूद, तो एक जरा सा काम आप करके नहीं, ठीक है बालकों किसी और ने ढूंढते, चलो यार। आपने हमारे बारे में जो कुछ भी सुना है, हम जिस तरह के इंसान हैं वो सही है, हम ड्यूटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी यानी कानून की मदद करने के लिए तैयार है। यो इना बात, मिलाओ हाथ। वाह